नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को पाकिस्तान आएंगे, वो लंदन से लाहौर पहुंचेंगे। फैसला मुशावरत से किया। कायद नून लीग की आमद पर पूरा पाकिस्तान उनका फकीदुल मिसाल इस्तकबाल करेगा। नवाज शरीफ को साजिश के तहत इक़्तिदार से महरूम किया गया और साजिश की वजह से पाकिस्तान के अवाम तरक्की से महरूम हुए। 2018 का झड़लू इलेक्शन ना होता तो मुल्क आज बहुत आगे होता। आवाम इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। शहबाज शरीफ के लंदन में नवाज शरीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। इंतखाबात 90 दिन में हों या 120 दिन में, ये ज़रूर होंगे। इलेक्शन जब भी होंगे हम भागने वाले नहीं। हम मुल्क दुश्मन पार्टी को पूरे मुल्क से शिकस्त देंगे। मुखालफीन अवाम और इदारों के दरमियान खला पैदा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो का मुल्तान का दौरा, रैली की शक्ल में सईदावाला बाईपास पर कारकुनों से खिताब। इलेक्शन से नहीं भाग रहे, 90 दिन में इलेक्शन के लिए तैयार हैं। सदर को इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार नहीं। हमारी सियासी गलतियों से पीटीआई की मकबूलियत बढ़ी। परवेश खटक पर एतबार नहीं, उनसे इत्तेहाद नहीं हो सकता। सिंध में पीपल्स पार्टी से भी इत्तेहाद नहीं होगा। जीडीए, मुत्तहिदा नून लीग से इत्तेहाद मुमकिन है। मौलाना फज्जुल रहमान। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सिक्योरिटी खदशात के पेश नज़र चेयरमैन पीटीआई का ट्रायल अटक जेल में ही होगा। अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम का दौरा गवादर। सियासी रहनुमाओं, गवादर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के नुमाइंदों और निजी शोबे के मुख्तलिफ रहनुमाओं से मुज़ाकरात। तजारत, सरमाकारी और बलोचिस्तान की तरक्की के लिए अमरीकी आनत का अदा। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की के लिए मुआवनत कर रहे हैं। अमरीका और बलोचिस्तान के दरमियान मजबूत ताल्लुक की तवील तारीख है। गुज़श्ता साल सैलाब के बायस खुराक और रकम के जरिए 6,61,000 अफराद की आनत की। अमरीकी सफीर